अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन के समर्थन का वादा किया। इस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी। बाइडेन ने कहा कि पुतिन यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, इससे पूरे यूरोप को खतरा होगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने पेरिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इसी दौरान दोनों ने रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन का वादा किया, जिसके बाद बाइडेन और मैक्रों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की और बाइडेन से कहा, दुनिया की नंबर एक शक्ति के राष्ट्रपति होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैक्रों ने बाइडेन से यूक्रेन के लिए समर्थन मांगा, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी समर्थन का वचन दिया।